इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एडॉक सेंसर नेटवर्क्स के राउटिंग प्रोटोकॉल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। राउटिंग किसी भी नेटवर्क के अंदर क्या काम करती है, दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टेब्लिशिंग अ पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर नोड्स फॉर ट्रांसमिटिंग द पैकेट अलोंग द पाथ। अब अगर हम सिंपल सी एक बात करें कि हमारे पास सपोज सिर्फ दो नोड्स हैं, लेट अस से नोड ए और नोड बी, और नोड ए को कुछ पैकेट्स ट्रांसफ़र करने हैं नोड बी को, तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं भी है तो भी काम चलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेशन है। बट अब एक सिनेरियो को इमेजिन करो आप, सपोज़ ये नोड है ए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक नोड है बी, सी, डी एंड ई। सो ए क्या है, ए सेंडर है और ई रिसीवर है। अब यहाँ पे ए से ई तक हमारे पास डायरेक्ट पाथ नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि कैसे हम ए से ई तक पहुँचे, डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास बहुत सारे पाथ्स हो, लेट अस से एक पाथ ये है ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ई आ गए। सो वन रूट कैन बी दिस, अनदर रूट कैन बी ए से बी गए, बी से हम डायरेक्ट ई पे आ गए। अनदर रूट कैन बी लाइक दिस, ए से हम डी गए और डी से ई पे आ गए। सो देयर कैन बी मल्टीपल रूट्स। अब राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल का काम है टू फाइंड द बेस्ट ऑप्टिमम रूट, ठीक है। सो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल विल फाइंड, राउटिंग प्रोटोकॉल विल फाइंड बेस्ट ऑप्टिमम पाथ, और बेस्ट ऑप्टिमम पाथ का मतलब होता है जनरली शॉर्टेस्ट पाथ। सीधी सी बात है, अगर आपको भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप भी हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को ही प्रिफर करते हो, तो सेम होता है किसी भी नेटवर्क के राउटिंग में। तो ये तो है राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स को बनाने के, डिज़ाइन करने के कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं एडॉक नेटवर्क्स के अंदर। सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट होता है नोड मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो नोड्स होती हैं वो हमेशा मूविंग होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है। देन डायनेमिक टोपोलॉजी, क्योंकि कोई फिक्स टोपोलॉजी नहीं होती कि बस रिंग स्टार या मैश यूज हो रही है, डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है। देन सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है नो सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एडॉक नेटवर्क्स क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेस होते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स, नो सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन इसके बाद होता है बैंडविथ, बहुत कंस्ट्रेंट होती है, बैंडविथ बहुत कम होती है, तो वो एक कॉन्स्ट्रेंट है बनाने के लिए। देन वी हैव एनर्जी, क्योंकि जो नोड्स होती हैं ये मोबाइल नोड्स होती हैं, तो इनके अंदर बैटरी होती है, बैटरी पावर नोड्स होती हैं, सो बैटरी इज़ वन ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट। एंड एस्टेब्लिशिंग एंड टू एंड पाथ, तो ये कुछ डिज़ाइन के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं एंड दे आर ऑल्सो द डिज़ाइन इश्यूज़ जो हम अभी इसी वीडियो में आगे डिटेल में देखेंगे। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस सी सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स एंड देन वी विल रिज्यूम द वीडियो विद द डिस्कशन पार्ट। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स। पहली बात है फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। देम अडेप्टिव टूवर्ड्स फ्रिक्वेंट चेंजेस, और जो फ्रिक्वेंट चेंजेस हैं किस लिए होते हैं, मोबिलिटी ऑफ नोड्स से, तो मोबिलिटी ऑफ नोड्स के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं उससे ये अडेप्टिव होना चाहिए, अपने आप को चेंज कर ले जल्दी से। देन द रूट कंप्यूटेशन एंड मेंटेनेंस मस्ट इन्वॉल्व मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि कुछ भी नोड्स होती हैं वो मूव कर जाती हैं, नेटवर्क से बाहर चली जाती है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। एंड फोर्थ इज जो इंपॉर्टेंट है हर राउटिंग प्रोटोकॉल के करेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या है, पैकेट कोलिजन मस्ट बी मिनिमम, जितना कम पैकेट कोलिजन होगा उतना ही अच्छा होगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स।
So now let's discuss in detail about the various issues in designing routing protocols. सबसे पहला तो है मोबिलिटी. अब देखो मोबिलिटी का मतलब क्या है कि जो नोड्स हैं दे आर हाईली डायनेमिक. सो नोड्स आर डायनेमिक. सो उससे क्या होता है, देर आर फ्रिक्वेंट पाथ ब्रेक. देर आर फ्रिक्वेंट पाथ ब्रेक. जैसे देखो फॉर एग्जांपल लेट अस से एक नोड है ए बी सी डी एंड ई, और हमारे पास पाथ कुछ इस तरह से था ए से सी, सी से बी, बी से डी एंड डी से ई. एंड नाउ लेट अस सपोज दिस डी नोड मूव्स अवे फ्रॉम द नेटवर्क. दिस मूव्स अवे, तो इसके मूव अवे हो जाने से क्या होगा, ये वाला जो पाथ है ये ब्रेक हो जाएगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द डिज़ाइन इश्यूज ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन एडॉक नेटवर्क्स. तो डिज़ाइनिंग इसी तरह से होनी चाहिए कि ऐसे सिनारियोज को भी कंसिडर किया जाए ताकि जो डिले है वो बहुत ही कम हो. देन वी हैव द बैंडविड्थ कॉन्स्ट्रेंट. बैंडविड्थ कॉन्स्ट्रेंट होता किस लिए, ड्यू टू लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम. कि जो रेडियो स्पेक्ट्रम होता है एडॉक नेटवर्क्स के केस में वो बहुत लिमिटेड होता है, तो उसके कारण जो बैंडविड्थ होती है वो भी बहुत कम होती है. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा आप एडॉक नेटवर्क्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डायनेमिक टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी चेंज होती रहती है, तो कंट्रोल ओवरहेड भी होता है. इसके कारण मल्टीपल एक्सेस इफेक्ट होता है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस होती हैं इन सब के अंदर. सो आप लिख सकते हो इट लीड्स टू या इट अफेक्ट्स मल्टीपल एक्सेस. And interference condition. Then the third issue is error prone shared broadcast radio channel. अब देखो इसका जो मतलब है वो क्या है कि broadcast nature होता है एडॉक networks में nodes का. तो जैसे A और B दो nodes हैं, अगर ए ने, और यहाँ पे कुछ नोड्स हो रहे हैं, ए ने कुछ मैसेज ट्रांसफ़र किया तो वो हर जगह जाएगा, हर नोड के पास जाएगा. एंड सिमिलरली जब बी कर रहा है तो बी का भी हर नोड के पास जाएगा. एंड दिस विल कॉज एन एरर, दिस विल कॉज एन एरर और मे बी द पैकेट कोलिजन्स. सो देर मे बी कोलिजन हेयर, और ये कोलिजन क्या करता है, फिर एरर को जनरेट करता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज़ ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स. देन द फोर्थ इज़ हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम. ये इंपॉर्टेंट है और ये हम मैक प्रोटोकॉल्स के टाइम पे भी देख चुके हैं. सो डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल में आपको बता दूँ कि होता क्या है. लेट अस सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे एक रिसीवर है, एक सेंडर है S1 हेयर, और एक सेंडर है S2 यहाँ पे. अब S1 और S2 दोनों एक दूसरे से हिडन है, तो होगा क्या, अगर S1 R को भेज रहा है और S2 भी R को भेज रहा है तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा क्योंकि S1 एंड S2 आर हिडन फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर सिनेरियो कि यहाँ पे एक S2 है और वो किसी दूसरे R2 को भेजना चाहता है. अब क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नेचर है तो S1 जब भेज रहा है R को तो वो बेसिकली S2 के पास भी भेज रहा है, तो S2 को लग गया कि जो पूरा चैनल है वो बिजी है अभी, तो वो इसको नहीं भेजेगा. और ये किस लिए हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू एक्सपोज, क्योंकि S1 एंड S2 आर एक्सपोज टू ईच अदर. ठीक है, सो दिस इज हिडन एंड एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम. देन द फिफ्थ इशू इज रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट. रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है, अब देखो ये सेंसर जो है ना, ये नोड्स होती हैं, सेंसर नोड्स होती हैं, बैटरी पावर्ड होती हैं सबसे बड़ी बात. तो रिसोर्स जो है उनकी उसमें कॉन्स्टेंट होता है. कैसी रिसोर्सेज में, लिमिटेड बैटरी पावर होती है. सो लिमिटेड बैटरी पावर, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड एनर्जी, तो सब कुछ लिमिटेड है, तो रिसोर्स का कॉन्स्टेंट्स है. तो जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की डिजाइनिंग है वो इन सबको कंसिडर करके ही करनी चाहिए. देन वी हैव दिस सिक्योरिटी इश्यू. सिक्योरिटी इश्यूज सिंपल है,
अब अगर आप हम बात करते हैं एक एनिमी टेरिटरी एरिया पे, सपोज दिस इज़ द बॉर्डर, ये दो देशों के बीच का बॉर्डर है, तो यहाँ पे हमने एक नोड लगाई हुई है जो सेंस करती रहती है कोई एनिमी की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो एनिमी कंट्री है, सपोज ये कंट्री, वो भी क्या करेगी, वो इसके ऊपर सेंस करना शुरू कर देगी। इसको हम बोलते हैं स्नूपिंग। तो स्नूपिंग हो सकता है इस नोड के ऊपर, या फिर वो इसके ऊपर कुछ अटैक करेगा ताकि ये डेटा को ट्रांसमिट ना कर पाए, दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सो देर आर मैनी सिक्योरिटी इशूज़ एंड वन ऑफ द सिक्योरिटी इशू इज नो सेंट्रलाइज्ड सिक्योर सर्वर। कोई सेंट्रलाइज सिक्योर सर्वर नहीं है तो हम SSL TLS जितने भी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं इस केस में। सो दैट इज़ वन ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज़। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन एडॉक नेटवर्क्स। क्या होता है राउटिंग प्रोटोकॉल, किस लिए यूज़ होता है और उसमें क्या क्या डिज़ाइनिंग के इश्यूज़ हैं, वो हमने इस वीडियो में कवर किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडॉक राउटिंग प्रोटोकॉल्स। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।